नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल मऊ रोड सिधारी, एडमिशन ओपन, वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सुबह सुबह महंगाई की खबर सामने आई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इससे पहले भी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए बढ़ाए गए थे। बढ़ती महंगाई और भी बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए कहीं से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बुधवार को एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी। गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी। 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा कर दिया। बढ़ी हुई दरें तत्काल लागू हो गई। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,050 रुपए से अधिक हो गई। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हो गया। वहीं 5 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया। सरकार की महंगाई पर नियंत्रण न कर पाने से आम आदमी में गुस्सा है। बड़े दामों के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। घर गृहस्थी का बजट बिगड़ने से महिलाओं में चिंता है। उनकी यही मांग है कि गैस के बड़े दामों को तत्काल वापस लिया जाए। पहले से ही महंगाई का भारी बोझ उनके ऊपर है, इस बोझ को और ना बढ़ाया जाए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रही है, परेशानी भी बहुत बढ़ जा रही है। इतनी महंगाई हो रही है कि महंगाई की वजह से आदमी क्या क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और परिवार भी इतना चलाना है कि हस्बैंड भी काम धंधा थोड़ा सा सिलाई का करते हैं। महंगाई के बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ गया है। महंगा तो ज़्यादा हो ही गया है और बहुत दिक्कत भी हो गया है कि आदमी लेगा कैसे। पहले तो यही लाते हैं, यही जानते हैं पैसे के बारे में। पड़ रहा है कि नहीं, नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सिलेंडर महंगा होने की वजह से घर गृहस्थी पे भी असर पड़ रहा है और चलता भी नहीं है पूरा महीने भर। क्या चाहते सरकार से आप? सरकार से तो ये चाहेंगे कि कुछ कम करें सरकार। ज़्यादा समस्या हो रही है, जैसे गैस का दाम बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें। हम औरतों के पास से ही पैसा हम लोगों को देना पड़ता है, अपने जेब से ही देना पड़ता है, एक ये है। और मतलब महंगाई, मतलब इसके वजह से हम लोगों के ऊपर हर तरह से बोझ बढ़ रहा है। मतलब 1,000 रुपीज़ बोल सकते हैं ना, मतलब इतना महंगा है, मतलब बर्डन पड़ जाता है मंथली। मतलब 30 दिन में आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, जिसका बड़ा परिवार है 30 दिन में उसका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद फिर सोचना पड़ता है 1,000 रुपये के लिए, फिर से मतलब महीने का 1,000 रुपये आपका ऐसे ही जा रहा है ना। तो यही सारी समस्या है, उसके ऊपर हमारे पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अगर ये सस्ता हो जाए, और चीज़ें हैं और घरेलू चीज़ें हैं जो, वो सब चीज़ें सस्ती हो जाएं, थोड़ा इसी के ऊपर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे देती तो बहुत अच्छा रहता। हम घरेलू महिलाओं के को बोझ थोड़ा सा कम महसूस होता। गवर्नमेंट से यही अपील है मेरी कि मतलब हर जैसी मिडिल क्लास औरतों का यही बस अपील है कि सरकार प्लीज़ हम लोगों पर ध्यान दे, हम घरेलू महिलाओं पर ध्यान दे कि मतलब महंगाई थोड़ी सी जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाए। गैस सिलेंडर जब से मतलब महंगा हो गया, जैसे कि अब हम लोग को एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मम्मी रखती हैं तब गैस सिलेंडर आता है, नहीं तो 2-3 दिन चूल्ह पे खाना बनाओ मतलब जल्दी आ भी नहीं पाता है गैस सिलेंडर। हम लोग चूल्ह पे खाना बनाते हैं, इतनी सारी दिक्कतें होती है कि मतलब कुछ कहने। महंगाई भी ज़्यादा है, सामान खरीदने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सामान भी लेने में दिक्कत होती है। मतलब जो मतलब और ज़्यादा मतलब जो गरीब है वो कैसे मतलब जुटाता है वो तो उन्हीं लोग को पता होगा ना। सरकार का क्या है, वो तो अपना दाम बढ़ाती ही रहती है। हाँ, उनको तो बढ़ाना ही है। क्या चाहती है आपको? बस मेरा यही मतलब कहना है कि सरकार थोड़ा सा गैस सिलेंडर का दाम कम कर दे और महंगाई थोड़ी सी कम कर दे। अभी हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हम लोग को और भी दिक्कत होती है। मम्मी बोलती है कि अभी गैस का पैसा जुटाऊं कि तुम लोग को देखूं, सब कुछ मम्मी बोलती है ना, इसीलिए बस इतना चाहती हूं कम थोड़ा कर दे। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भी खुदा होता है। कुछ ऐसे ही अनाथ किशोरी को विधायक नाथ के रूप में मिल गए। अनाथ किशोरी को परिवार मिल गया।
आपको बता दें कि सगड़ी विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक और पूर्वांचल की प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी सर्जन डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने सगड़ी विधानसभा के हरैया विकास खंड के अंतर्गत करमणी गांव की अनाथ किशोरी अर्चना पटेल को गोद लेकर मानवता के साथ साथ एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और संवेदनशील नेता होने का अनूठा संदेश दिया है। विधायक का यह अनूठा प्रयास समाज के संपन्न और सक्षम लोगों के लिए अनुसरणीय है। एक अनाथ बच्ची को गोद लेना बहुत ही दुष्कर और जिम्मेदारियों के एहसास से भरा हुआ कार्य होता है, क्योंकि गोद लेने वाले को अनाथ बच्चे को महज माता पिता का स्नेह प्यार और दुलार ही नहीं देना पड़ता, बल्कि अनाथ बच्चे को शारीरिक के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक रूप से तंदुरुस्त और जवान करना पड़ता है। कुछ सपने माँ बाप के मजबूत कंधों के सहारे ही देख पाते हैं। अर्चना को गोद लेने के बाद सगड़ विधायक डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बच्ची के बारे में हमको यहाँ के लोगों ने बताया। जानकारी मिलने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि इसकी देखरेख, शिक्षा, दीक्षा और शादी की जिम्मेदारी हम स्वयं उठाएंगे। समाज में इस तरह के कार्य से निश्चित रूप से बदलाव आएगा और जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है उनका जीवन भी सुखमय होगा। इसकी माँ 9 जून को एक्सपायर हो गई और 22 जून को उनका ब्रह्मभोज था। हम ब्रह्मभोज में आए तो पता चला कि ये बच्ची बिल्कुल अनाथ है। इसके पिताजी इसकी माँ को लगभग 15 साल पहले ही छोड़ चुके हैं और माँ के पास अपने ननिहाल में ही रहती थी और माँ का भी छाया जब इसके सर से उठ गया तो जब 22 को हम उनके ब्रह्मभोज में आए थे तो हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। तो इस बच्ची की मदद के लिए हमने कहा कि बेटा चलो आज के बाद से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। और आज जिसे इसे पूछने पे हमें पता चला कि ये बायोलॉजी से पढ़ रही है, इंटरमीडिएट 11th का एग्ज़ाम दी है, 12th का एग्ज़ाम के बाद ये मेडिकल की तैयारी की सोच में है। तो एक डॉक्टर के नाते हमें खुशी भी हुई कि चलो कम से कम एक मेडिकल की तैयारी अगर बच्ची करती है और हमारे थोड़े से सहयोग से अगर ये डॉक्टर बन जाती है तो हमारे लिए इसे खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। लिहाजा इस बच्ची का पढ़ने का सारा जो भी खर्च आएगा हम उठाएंगे और आगे हो सकता है कि इसकी शादी का भी खर्च हम ही उठाएं। क्या विधायक निधि? विधायक निधि इसमें एक पैसे भी नहीं लगेगी, हमारा पर्सनल पैसा हो जाएगा। बिटिया के लिए विधायक निधि नहीं होती, समाज के लिए विधायक निधि होती है। बिटिया के लिए तो उसके बाप का ही पैसा लगना चाहिए हमारे। वहीं विधायक की धर्मपत्नी अनीता पटेल ने कहा कि विधायक जी ने तो पहले बच्ची को गोद लिया और दूसरे दिन हमको जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी मेरे लिए बहुत ही सुखद रही। एक बेटी के रूप में इस बच्ची को स्वीकार कर इसकी जिंदगी को संवारने का हम दोनों पूरी तरह प्रयास करेंगे। ऐसे हो गई है और क्या, जो पढ़ेगी लिखेगी जो करेगी हम इसके साथ रहेंगे, हमेशा इसके साथ रहेंगे, ठीक। और जो भी करना चाहेगी हम इसको करने के लिए साथ साथ रहेंगे। और तो जैसे अपने बच्चों को देखते हैं वैसे हमारी ये भी बेटियां हैं, हम भी अपने बच्चे की तरह इसको देखेंगे। आज के दौर में मैम हमें तो डॉक्टर साहब बताया नहीं, हमें 2-3 दिन के बाद पता चला, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये जो काम किए बहुत अच्छा किए और हम चाहते कैसे करते रहे अन्य लोगों के लिए। अरे और हमें जो भी पता चलेगा उसमें हम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, जहाँ भी खड़ा होना रहेगा उनके साथ चलेंगे करेंगे और कैसे साथ देंगे। बुधवार को विधायक ने अपनी धर्मपत्नी के साथ अर्चना के घर पहुंचकर कपड़े और अन्य जरूरी सामानों को उपलब्ध कराया। वहीं इस मौके पर हरेंद्र पटेल युवा जिला अध्यक्ष, सरदार सेना रणधीर पटेल, रामाश्रय पटेल, ओम प्रकाश पटेल, विशाल पटेल, हरकेश विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 में पहली पाली में 1547 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जो कि कुल अभ्यर्थियों का 6.30% है। वह अनुमान है कि दूसरी पाली में भी इन्हीं परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी होगी। परीक्षा को लेकर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से काफी गहमागहमी दिखाई दी। परीक्षा बुधवार को जनपद के 52 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शुरू हुई। इसको लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों व आसपास काफी भीड़ भाड़ नजर आई। सुबह ही अचानक से युवा वर्ग की भारी संख्या देख स्थानीय लोग भी चौंक गए, लेकिन पूछताछ के बाद परीक्षा होने की जानकारी मिली। परीक्षा की जिम्मेदारी शासन ने महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को दी। जनपद में परीक्षा के लिए 25,699 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। दो पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर
अपराह्न 2 से 5 बजे तक परीक्षा का समय निर्धारित है। सभी परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। 104 ऑब्जर्वर परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। 28 केंद्र प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा को सक्रिय कर दिया गया। हर गतिविधि की वीडियोग्राफी की जा रही है। कोषागार से परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों को रखे जाने की जिम्मेदारी जोनल मजिस्ट्रेटों को दी गई थी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, मास्क सब कुछ मिला, सैनिटाइजर तक मिला है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो चुनाव प्रचार में स्थिर नहीं आए क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों ने मना किया था। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई क्योंकि प्रशासन ने वोटरों को निकलने नहीं दिया, ट्रक भरकर शराब और पैसा बांटा गया। अखिलेश यादव के इन आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं आए कि उन्हें पता लग गया था कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह हम आ रहे हैं और हार के डर से वो नहीं आए। अखिलेश यादव के प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि वही प्रशासन है जिस प्रशासन में अभी 3 महीने पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। कहा कि हकीकत तो यह है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बूथ पर कब्जा किया था, पैसा बांटा था, यहां तक कि मतदाताओं को लुभाने के लिए पायल बांटी गई थी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट से जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में उन विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 20 से 25 हजार पीछे रह गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद भी भाजपा ने जीत दर्ज की और ये जीत का परचम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अधिकतर सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के उपचुनाव में माइनॉरिटी के वोटरों ने भी समाजवादी पार्टी को ठुकरा दिया है और स्वतंत्र होकर मतदान किया, जिस कारण सपा की और दुर्गति हुई। बसपा प्रत्याशी शाहआलम गुड्डू जमाली की 2024 में जीत दर्ज करने के दावे को खारिज करते हुए अखिलेश मिश्रा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ही जीतेगी। देखिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह का बयान उनके लिए कहीं शोभा नहीं देता है और स्वयं का उनका दिमाग है और कहीं ना कहीं उनको ये लग गया था कि हम आजमगढ़ में और रामपुर में दोनों जगह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। उनको हार का डर सता रहा था। क्या संगठन ने काम नहीं किया? अब ये तो उनका संगठन क्या किया वो तो बताएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीती है क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक घपलेबाजी हुई है, शराब बांटा गया, पैसे बांटे गए, क्या कहना है? देखिए, वही प्रशासन है जो 2022 के अभी विधानसभा के आम चुनाव में था, वही प्रशासन आज भी है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वही हमारे जिले के अधिकारी हैं। जो जैसा करता है उसके दिमाग में उस तरह की बातें आती है। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जहां पर वह 20,000-25,000 वोटों से जीते थे, 15,000 जीते थे, वहां उनके वोट सीधे सीधे 20-25 हज़ार कम हो गए और वो स्वयं बूथों को कब्जा करने का काम, छागल तक पायल तक बांटने का काम किया है उन्होंने। पैसे का खुला बंदरबांट किया था, प्रदेश को लूटा था और लूट करके वो जनता में, आम जनमानस में उसको बांटने का काम करके, और जो अभी 3 महीने पहले और जिले की 10 सीटें जीते थे, इस बार लोकसभा में बुरी तरह पराजित हुए, ये उनकी बौखलाहट है। जो काम वो स्वयं करते हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2024 में ये जीत कायम रहेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया है अब यह सीधे बढ़ता जाएगा क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था और कम प्रतिशत में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही वोटरों का मत प्रतिशत, ऐसा मेरा मानना है कि कम रहता है। और इस बार जब जीत का हमारा शुरुआत हो गई है, ये जीत बरकरार रहेगी। 2024 की दोनों लोकसभा सीटें समेत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्या माइनॉरिटी वोट खसक चुकी है सपा से? देखिए, माइनॉरिटी को लेकर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताजी, वो इस बार उनको बरगलाने में सफल नहीं हो सके और माइनॉरिटी भी अपने को ठगा महसूस करती है, अब अपने हिसाब से मतदान कर रही है और हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माइनॉरिटी सुरक्षित है। माइनॉरिटी के ऊपर कहीं कोई
दिक्कत नहीं है, इसलिए वो अपने मन से खुलेआम मतदान कर रहा है। उर्दू जमाई तो अपना जो है वो कर रहे हैं कि जो है 2024 में हम परचम ला रहेंगे। देखिए वो कहने की बात है, और जो लड़ता है वो अपने को कहता है कि हम परचम लहराएंगे, लेकिन हम तो जीते हैं और जीतने के बाद अभी इस जीत को आगे भी बरकरार रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही और सुचारू रूप से संचालित हो। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, कमियां मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में चल रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लग रहा है सही ढंग से नहीं कर रहे। अर्श से लेकर फर्श तक की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसे ही इशारा कर रही है कि यहां किसी मरीज का इलाज संभव नहीं। आपको बता दें कि बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंदरापुर संचालित है। कंदरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य केंद्र परिसर की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहां पर तैनात कर्मचारी भी समय से नहीं आते जाते। समय से न आने जाने के कारण तमाम लोगों को समस्याएं उठानी पड़ती है। सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गांव गांव जगह जगह इसलिए बनाया गया कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तत्काल मिल सके, लेकिन यहां आज भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। जितने भी मरीज आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो आके ये बोले कि नहीं मैडम हमें ये दवाई नहीं मिली है और ये हमें अब जो है हमारा इलाज अच्छे से नहीं कर रही है। हमारे पास जो है प्राथमिक जो सुविधाएं होती हैं वही हम लोग देते हैं। हमारा जो सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर ही है। पानी की व्यवस्था नहीं है और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में अपने कंदरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय पर गया हुआ था और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। मैंने बड़े डॉक्टर साहब से और वहाँ पे बैठे हुए कर्मचारियों से बात किया कि कम से कम हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन पे हफ्ते में एक बार आ करके गाँव वालों का दुख और दर्द सुनिए ताकि हमारे गाँव के स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहे, लोग जाने। लेकिन इस पर अभी कोई असर नहीं हुआ है, न तो कोई आके बड़े डॉक्टर बैठ गए। वाले ने मुझसे कई बार कहा, मैं कितनी बार रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे गांव वालों को दवा की उत्तम व्यवस्था की जाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 10 प्रकरण का सदस्य द्वारा दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर निस्तारण कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर अपने शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लगाते हुए भेज सकता है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही मोबाइल नंबर 7839930410 पर भी कोई भी पीड़ित महिला शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड भेज सकती है। इसी के साथ ही सदस्य संगीता तिवारी ने पुलिस लाइन के प्रांगण में ढिठोर का पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव, एसीएमओ डॉक्टर वाई प्रसाद, एसओ महिला थाना मधुपनिका, महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर सरिता पाल, डीसी अनु सिंह, रंजना मिश्रा, ममता यादव, समाज कल्याण विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई होती है महीने में एक बार। जितनी पीड़ित महिलाएं होती हैं, जो भी अपनी संबंधित सूचनाएं देती हैं, जो भी समस्याएं बताती हैं, उनका यहाँ पे निस्तारण होता है। कुछ महिलाओं का तुरंत त्वरित निस्तारण हो जाता है और सारे अधिकारियों से संबंधित बात करके कुछ लोगों को हम लोग अपना लगा देते हैं कि मतलब 10-15 दिन, एक महीना, दो महीने के अंदर अंदर निस्तारण करने की पूरी कोशिश की जाती है। अभी तक कुल हमारे समझ से 35 मामले हैं, अभी आ भी रहे हैं लोग, थोड़ा अभी तो समय है। घरेलू हिंसा है, लड़कियां हैं जो भी रेप से पीड़ित हों, हर तरह का आता है। हम लोग के पास ज़मीनी विवाद भी बहुत आ रहा है, चूँकि महिलाएं हैं तो हम लोग हर तरीके की समस्याएं सुनते हैं, उसको उसका निस्तारण करते हैं।
देखिए, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हूँ। आज यहाँ महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में विभिन्न प्रार्थना पत्रों को टेकअप किया जा रहा है। हाँ, ऐसा है, ये सेटअप होता है जिसमें विभिन्न विभाग के अपने अपने प्रतिभागी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। जो एप्लीकेशन जिस डिपार्टमेंट से संबंधित होता है उसको संदर्भित किया जाता है, और हमारा पूरा प्रयास किया जाता है कि देन एंड देयर डिस्पोजल हो जाए। जो हमारे स्तर से नहीं होता है, अलग डिपार्टमेंट से कंसर्न होता है, वी विल फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में बुधवार जनप्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया। लालगंज संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद, विधायक आलम बदी आजमी, पूर्व विधायक अरी मर्दन आजाद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों जिन मामलों को उठाया उन्हें नोट करके विधि सम्मत निस्तारण के बाद जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाएगा। एसपी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ चोरी के मामलों का अनावरण न किए जाने के मामले और आपसी विवाद में मारपीट के मामले उठाए हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार जो मासिक रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती है, उस बैठक का आज आयोजन पुलिस लाइन प्रांगण में किया गया है। माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता की समस्याओं से अवगत कराया गया है, उनको मेरे द्वारा नोट किया गया है, जो एप्लीकेशंस दी गई है उनको कलेक्ट किया गया है, और विधिक कार्रवाई हर एक एप्लीकेशन पर जो होगी उसको करा के माननीय जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाएगा। कुछ चोरी के मामले हैं जिनका अनावरण होना शेष है, और एक दो मामले आपसी मारपीट के हैं जिनके बारे में अवगत कराया गया है, तो इनकी जांच करा के विधिक कार्रवाई इंश्योर की जाएगी और सभी के साथ न्याय इंश्योर किया जाएगा। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर डीके पटेल दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्पोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कम्फर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेरिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9, स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद सीसीटीवी कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़।